कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना ठीक है, लेकिन पूरी तरह से पाबंदी लगाना आई डोंट थिंक कि इससे कोई भी जो कम्युनिटी के लोग होंगे वो खुश होंगे। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा रैशनली और लॉजिकली सोचना चाहिए, अनबायस्ड होके सारे डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी इंडियंस हैं उनको सिर्फ इंडियंस की नज़र से देखना चाहिए कि ये इंडियंस हैं, रिलीजन वाइज नहीं देखना चाहिए कि ये इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो इनको हम कम इम्पोर्टेंस दें या इनके हम रिलीजियस फीलिंग्स के साथ में खानी करें, वो सब नहीं होना चाहिए। हाय नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। जैसा कि हम सबको पता है अभी थोड़े दिनों से बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं रिलीजन वाइज अगर हम बोलें, कि अभी थोड़े दिन पहले नुपुर शर्मा का एक ऐसा बयान आ गया था, मतलब डिबेट था, एक टीवी डिबेट के टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जिसके कारण बहुत सारे मुस्लिम्स बहुत अपसेट हो गए थे। इवन कई मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जो जिन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, उन्होंने जो भी बोला था वो सामने वाले मौलाना ने जो उनके साथ में डिबेट में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने उनको प्रोवोक किया था, लेकिन फिर भी एक मुद्दा हो ही गया था, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक टसल हो गई थी। अब रिसेंटली एक और इशू सामने आया है जिसमें गवर्नमेंट ने बकरीद को लेकर एक नया ऐलान किया है, और वो ऐलान क्या है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें वो क्या अनाउंसमेंट है जो गवर्नमेंट ने बकरीद को लेकर बनाई है। हम सबको बताया कि बकरीद आने वाली है, तो अब क्या नया इशू आ गया है, मतलब मुस्लिम्स के अगेंस्ट या बकरीद के अगेंस्ट, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या इशू आया है अभी। साथियों, मैं आदिल खान। भारत में ईद उल अज़हा या बकरीद 10 या 11 जुलाई 2022 को नई और अभूतपूर्व पाबंदियों के साथ मनाने का एक फरमान वायरल हो रहा है। बकरीद का चांद 10 दिन पहले ही दिख जाता है, जैसा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को पता है। अब आपको 1 जुलाई को ही पता चल जाएगा कि बकरीद कब होगी, लेकिन आज की तारीख में आपको मैं ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि आपकी ईद को बदमज़ा बनाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है, क्योंकि एक खबर वायरल हो रही है और एक खबर वो लिखी जा रही और उसमें ये बताया जा रहा है कि ईद पर इतनी पाबंदियां होगी मुसलमानों के लिए कि वो ये सोचेंगे कि क्या वाकई हमें ईद मनानी चाहिए। अगले महीने बकरीद पर देश भर के निकाय क्षेत्रों के अधिकृत बूचड़खानों के अलावा कहीं भी कुर्बानी नहीं की जा सकेगी, ये खबर कहती है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से ये सुनिश्चित करने को निर्देश जारी किए हैं। झंझवार की खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। झंझवार, केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को जारी किए गए निर्देश में ये कहा गया है कि सभी राज्य ये सुनिश्चित करें कि बकरीद यानी ईद उल अज़हा पर लोग सार्वजनिक रूप से पशुओं की, जानवरों की कुर्बानी न दें, चाहे उसमें ऊँट हो, भेड़ हो, बकरा हो, कोई भी हो। घरों और खुले में कुर्बानी नहीं होगी, इस पर पाबंदी। अगले महीने बकरीद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन, बकरीद की न्यू गाइडलाइन जारी हो गई है। इसमें बकरों की कुर्बानी बूचड़खानों में ही की जा सकेगी, घरों में नहीं, जिसके लिए नए निर्देश जारी किए गए। पहले लोग नमाज के बाद अपने घर मोहल्ले के कसाई को लेकर पहुंचते थे और वो कुर्बानी करते थे, वहीं से बढ़ जाता था गरीबों में, रिश्तेदारों में गोश्त। अब नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए निर्देशों के मुताबिक कुर्बानी अब तो ना तो घरों में हो सकेगी, ना ही खुले में हो सकेगी, यानी कि सार्वजनिक रूप से बकरों की कुर्बानी अब नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले काफ़ी वक्त से ये देखने में आ रहा है कि पशुओं को वाहनों में ठूस ठूस कर भरा जाता है, ये उनके साथ एक तरह की क्रूरता है, ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब पशुओं को ठूस जो घर में ले जाते हैं वो तो उसकी खिदमत करते हैं, उसे पालते पोसते हैं, ये और बात है, दीन इस्लाम का एक अरकान है कुर्बानी, इसलिए वो निभाते हैं। जैसे बहुत जगह नॉन मुस्लिम्स में भी बलियां दी जाती हैं, कई जगह तो बच्चों की बलि देते हैं। तो अब ऊँट की कुर्बानी नहीं होगी। केंद्र सरकार के एक कल्याण बोर्ड है जीव जंतु, उसने कहा है कि सभी राज्यों को लिखा है कि बकरीद पर ऊँट की कुर्बानी ना हो। ऊँट देश में भोजन के लिए प्रतिबंधित पशुओं की श्रेणी में शामिल है, लेकिन कई जगह ऊँट की कुर्बानी दी जाती है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन राज्यों में गोवध अपराध है यानी गाय की हत्या, वहाँ गाय या बछड़ी की कुर्बानी ना दी जाए, बिल्कुल सही। साथ ही निर्देश में राज्यों से कहा गया कि किसी भी गर्भवती पशुओं की कुर्बानी ना हो। कुर्बानी गर्भवती पशु की नहीं होती इस्लाम के कानून के हिसाब से। पशुओं के गर्भ में 3 महीने से कम अगर है
तो उनकी कुर्बानी वेटनरी डॉक्टर की ओर से फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना नहीं दी जा सकती, नहीं होती है, आप पता करिएगा। खैर, अब ये जो एक नया निज़ाम बनने जा रहा है वो क्यों है, किस लिए है? वैसे भी जगह जगह हम देखते हैं, माफ़ कीजिएगा किसी को बुरा ना लगे, लेकिन वो इस बात से इत्तेफाक ज़रूर रखिएगा, गली गली मोहल्ले में निकलता हूँ तो देखता हूँ ये गली चौक है, वो गली चौक है, क्या है, आज माता की चौकी है, आज ये जागरण हो रहा है, जिसने चाहा अपने दरवाजे पर शामियाना लगाया और गली को ब्लॉक कर दिया दोनों तरफ से। क्या इसको लेकर सरकार गंभीर होती है? जगह जगह जागरण हो रहे हैं, लेकिन ये नमाज मस्जिद के बाहर नहीं हो, कुर्बानी घर के बाहर नहीं हो, आप शबिरात में एक्स्ट्रा पुलिसिंग कर देते हैं, जगह जगह मुस्लिम लड़कों के चालान काटे जाते हैं, लेकिन आप गायब हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप सबका साथ सबका विकास वाले हैं, आप गायब हो जाते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान, जब एक एक मोटरसाइकिल पर चार चार ठुसे होते हैं, हाथ में डंडे लेकर चल रहे होते हैं, आप कई शोभा यात्राओं में गायब हो जाते हैं जब तलवारें तमंचे कट्टे लेकर चल रहे होते हैं वो सब, ये किस तरीके का नज़रिया है? क्या इस पर सवाल नहीं उठेंगे? ये खबर जो जनजवार में है छपी हुई, अगर इसी को अमली जामा पहनाया जाता और ये सच साबित हो जाता है तो क्या मुसलमानों में इसको लेकर अपनी ही हुकूमत में एतमाद कम नहीं होगा, विश्वास कम नहीं होगा कि एक उनके चश्मे का शीशा फूट चुका है, बस एक ही से देख रही है गवर्नमेंट और एक ही तरफ देख रही है। इस तरीके के नियम हमेशा समाजों में विभाजन पैदा करते हैं। आप सोचिए कि एक तरफ जागरण हो रहा होगा गली में बिना इजाजत के, और दूसरी तरफ आदमी अपने घर में कुर्बानी नहीं दे सकता, कोई आएगा शिकायत कर देगा, और शिकायत नहीं करेगा पुलिस से तो उसे अखलाक बना देगा, मार मार के वहीं कचूमर बना देगा, बता देगा गाय का गोश्त खा रहा था जबकि उसका बकरा घर में खड़ा मिमिया रहा होगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए देश में। जिस तरीके से अब देखिए कि यही वाली बात जो है, ये इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, लोग इसे इस पर आरोप लगाने लगे, भले सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन एक इस तरह का आरोप जो है वो काफ़ी होता है ये बताने के लिए कि एक समाज के वर्ग को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। अब देखिए कि जब बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के घरों को चिन्हित करके तोड़ा जा रहा है। अब बताइए जिन्होंने ये उधम मचाया, मैं नहीं कहना चाहता नौजवानों, आप में से सब ने नहीं मचाया, 100% में से 5-10% थे, कुछ बीजेपी के नेता भी पकड़े जा रहे हैं इस अग्निवीर वाले एपिसोड में, तो अग्निवीरों के नाम पर जो तांडव मचा है अग्निपथ के नाम पर, उसमें बीजेपी नेता पकड़े गए, कुछ कोचिंग संस्थापक भी पकड़े गए, संचालक भी पकड़े गए, लड़के भी पकड़े गए, कुछ मोहल्ले के भी गुंडे बदमाश होंगे जो उन्होंने सोचा है इन बेचारे लड़कों के नाम पर जो है वो लूटपाट कर लें, आग लगा दें। ठीक, इन लोगों के घरों में आपको किसी भी सरकार को, खासतौर से बीजेपी शासित प्रदेशों की सरकार को, कहीं कोई नक्शा गलत नहीं मिला कि उन लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला देते, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला देते, उनके मार मार के लाल कर देते, और आप ही का कोई विधायक पेश करता वीडियो और लिखता रिटर्न गिफ्ट, कहीं तो कोई ऐसा नज़ारा दिखाते हैं, कहीं तो लगता कि हाँ आपका नज़रिया एक सा है, चश्मा सलामत है, नहीं है। इसीलिए सवाल उठते हैं, और इसीलिए सवाल लोग पूछते हैं कि आप किस तरीके से कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं, क्या वाकई आप कार्रवाइयों को साफ सुथरे नज़रिए से, बिना भेदभाव के और बिना पॉलिटिकल या रिलीजियस वेंडेटा के आप उसे अंजाम देते हैं? नहीं। इसीलिए तो ये मामले सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचते हैं, इसीलिए इन पर बहस होती है, इसीलिए इन पर चर्चा होती है, इसी को लेकर लोग आरोप भी लगाते हैं कि आप भेदभाव के साथ हुकूमत को चलाते हैं, समाज के एक वर्ग को आपने शोषित वंचित बना दिया और उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सवाल उठने बंद हो, इसके लिए काम आपको करने होंगे। बकरीद आ रही है, आराम से जैसे मनती थी वैसे मनाने दीजिए, उस पर झगड़े कभी नहीं होते थे, ये चीज़ें झगड़े पैदा करेंगे। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर करें। जय हिंद। हाँ, सबको पता है कि हर जो रिलीजन है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिसके लिए उन्हें बाहर निकलना पड़ता है और उनको सेलिब्रेट करना पड़ता है। तो जैसे कि कई ऐसे रिचुअल्स होते हैं उसके, जिसमें जाके उन्हें अपने देवी देवता की जो मूर्ति होती है उसको
जो भी होली रिवर होती है उसमें बहाना होता है, उस टाइम पे भी रोड पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, लोग ट्रकों में या बड़ी बड़ी गाड़ियों में पूरी मूर्ति लेकर जाते हैं, उसको बहाकर आते हैं। उस टाइम पे गवर्नमेंट को उनके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं होता, या घरों के बाहर में भी, या जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं गलियों में, तो उनमें क्या होता है, लोग एक छोटा सा भजन कीर्तन टाइप में भी रख लेते हैं, जिससे कि वो लोग मतलब अपना रेगुलरली कीर्तन करते हैं, बट वो काफ़ी लाउड होता है। तो मैं नहीं कह रही कि डिस्टर्बेंस होती है या कुछ होता है, लेकिन लाउड तो होता ही है। तो जब हम एक रिलीजन को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि आप बैठ के चाहे कीर्तन करो, चाहे आप भजन करो, या आप माता की चौकियाँ लगाओ, तो दूसरा रिलीजन अगर अपने घर के अंदर भी बकरीद पे कुर्बानी दे रहा है, जो कि वंस इन अ ईयर होता है, साल में 2-3 दिन तक कुर्बानी दी जाती है, आई गेस ईद वाले दिन, ईद वासी तवासी जैसे करके होता है, तो वो एक उनका रिचुअल है, मतलब ये है और बहुत सालों से चलता आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ समथिंग जो अभी प्रपोज हुआ है और उन्होंने अभी करना स्टार्ट किया है कि सडनली गवर्नमेंट जाग गई और उन्होंने बोला अरे अरे आप ऐसे कैसे कट कर सकते हो या ऐसे कैसे कुर्बानी दे रहे हो अपने घर के अंदर में, नहीं, ये सदियों से होते आ रहा है। तो जब इतने टाइम से हो रही है एक चीज़, तो अभी सडनली गवर्नमेंट को क्या हो गया? ठीक है, जैसे कि उन्होंने वीडियो में मेंशन किया कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि उस टाइम पे मतलब गाड़ियों में ठूस ठूस के जानवरों को भरा जाता है, तो अगर कंट्रोल करना है तो उन लोगों को कंट्रोल करना है जो होल सेल के लिए अपनी गाड़ियों में भर भर के जानवरों को लेकर जाते हैं बेचने के लिए। लेकिन जो लोग अपने घर में कुर्बानी देने के लिए जानवर खरीदते हैं, वो हार्डली 2-3-1 मतलब इतने ही जानवर लेते हैं अपने घर में कुर्बानी देने के लिए। तो ये कहना कि क्योंकि गाड़ियों में जानवर भरे जाते हैं इसीलिए ये नहीं किया जाना चाहिए, वो चीज़ तो ठीक नहीं है। हाँ, बाकी जो चीज़ें उन्होंने बोली है कि जो गर्भवती हो जानवर उसकी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, वो फिर भी चलो एक तरह से एक्सेप्टेबल है कि उस जानवर को छोड़ा जा सकता है कि चलो ये गर्भवती है तो इसकी कुर्बानी नहीं देनी। अगर ऊँट के लिए बोला है उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं लोग, लेकिन देयर शुड बी अ लॉजिकल रीज़न कि हम लोगों ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये दूसरा आपको ऑप्शन प्रपोज किया है। लेकिन ये कह देना कि आप घर में कुर्बानी ही नहीं दोगे, और तो ये तो अननेसेसरी दूसरे बंदे की जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनके धर्म से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ में छेड़खानी करने वाली बात हो गई। जैसे कि अगर मैं सिख रिलीजन की बात करूं, हमारे में जब गुरु नानक जयंती होती है तो उस टाइम पे प्रोसेशन किया जाता है, जिसमें एक मतलब सब लोग गैदर होते हैं, प्रसाद बांटा जाता है रोड साइड में। ऑब्वियसली जब भी प्रोसेशन कोई भी कम्युनिटी करती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट से एक प्रॉपर अप्रूवल लिया जाता है कि हम लोगों ने प्रोसेशन निकालना है और इसमें इतने टाइम से इतने टाइम तक जो रोड है वो ब्लॉक रहेगा या उसमें एक्टिविटीज थोड़ी कम हो, जिससे कि उस एरिया का जो लॉ है वो एक्चुअली मेंटेन किया जा सके, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर कोई उसके लिए भी बहुत सारी पाबंदियां लगा देगा तो वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं तो हर्ट होती है। अभी जैसे ड्यूरिंग द पेंडेमिक ये था कि मतलब आप इतने बड़े पैमाने पर नहीं निकालोगे कि यहाँ पे इतने सारे लोग गैदर हों, तो उस टाइम पे एक स्मूथली मतलब कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और वो आराम से बट प्रोसेशन निकालना था वो हो ही गया था। तो ये होता है कि कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना ठीक है, लेकिन पूरी तरह से पाबंदी लगाना आई डोंट थिंक कि इससे कोई भी जो कम्युनिटी के लोग होंगे वो खुश होंगे। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा रैशनली और लॉजिकली सोचना चाहिए, अनबायस्ड होके सारे डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी इंडियंस हैं, उनको सिर्फ इंडियंस की नज़र से देखना चाहिए कि ये इंडियंस हैं, रिलीजन वाइज नहीं देखना चाहिए कि ये इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो इनको हम कम इम्पोर्टेंस दें या इनके हम रिलीजियस फीलिंग्स के साथ में खेल मतलब छेड़खानी करें, वो सब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट हो आप तो इतनी मतलब आपकी जो अथॉरिटी है आपके हाथ में, उसको तो कोई चैलेंज नहीं करेगा और ना ही आपके अगेंस्ट कोई जाना चाहेगा, लेकिन एटलीस्ट रैशनली डिसीजन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। बस यही है आज की वीडियो में, और आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।